सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी का नए फ्रेश वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं सर्वे न्यूज़, शर्मा सॉफ्ट सर्वे न्यूज़ की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छी पहली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का फोन आया J4 जो आने वाला है बहुत जल्द ही, मतलब J सीरीज पे ध्यान दे रही है अब सैमसंग। तो देखते हैं कब आता है फ़ोन। प्राइसिंग इसकी कुछ बताई है कि 10,000 के अराउंड होगी, 9,990। तो देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, क्या रहती है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या होगा इसमें। मेरे ख्याल से एक या दो वेरिएंट में निकालेंगे शायद ये J4 की सीरीज़। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। जे सीरीज वापस आ रही है, तो नहीं आ रही है। हाँ, सैमसंग की तरफ से एक और सैमसंग नोट 9 लॉन्च होने वाला है, जो कि बहुत जल्द ही, मतलब सितंबर या अगस्त में ही लॉन्च हो जाएगा ये। देखते कैसे रहता है ये फ़ोन। कह रहे हैं काफ़ी बड़ा स्मार्टफोन होगा और काफ़ी महंगा अब तक का सैमसंग का, और बहुत पतला भी होगा शायद ये फ़ोन। तो देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, मतलब शायद इसमें आपको मिले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। तो देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जो बता के मैंने सेशन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो कौन न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गलेक्सी A9 Star Lite जो होगा 7 जून को लॉन्च। तो देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, मतलब लाइट वर्जन निकाली जा रही है, S8 का भी आएगा लाइट वर्जन, S9 का भी आएगा लाइट वर्जन। तो देखते क्या रहता है ये फ़ोन। पीछे से इसका डिज़ाइन कुछ बताया कि वो ही होगा जैसे है आईफोन एक्स का, आगे से सिंपल जो डिज़ाइन चल रहा है सैमसंग का। मेरे उसका डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी 3700 mAh बैटरी होगी, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, एंड्रॉयड ओरियो के साथ आएगा ये। तो देखते हैं कैसा रहता है फ़ोन, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। मेरे के दोनों वेरिएंट के सेम ही होगी, बाकी कैमरा और बैटरी वगैरह में थोड़ा बहुत फ़र्क हो लाइट और इसमें। अगली में आ रही है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला Z3 Play जो कि लॉन्च होने वाला है 6 जून को, मतलब एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन होगा ये। और देखते हैं क्या रहता है फ़ोन, 18:9 रेशो में आएगा ये फ़ोन, मतलब काफ़ी बढ़िया होगा और काफ़ी स्लिम फ़ोन होगा, वही पीछे आप लगा सकते हैं इसमें मोड्स। तो देखते कैसे रहता है फ़ोन, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। Z3 Play आने वाला है बहुत जल्दी। कमिंग आ रही है एप्पल की तरफ से, एप्पल iOS 12 में होगा हेल्थ, डिजिटल हेल्थ फीचर। कह रहे काफ़ी सही होगा ये फीचर, आप अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं इसकी वजह से। तो देखते क्या रहता है कैसा रहता है ये, मतलब क्या अलग होगा इसमें। और कह रहे कि थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो सकता है एंड्रॉयड पी के जैसा, देखते कैसा रहता है क्या नहीं, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। मतलब काफ़ी सारा अपडेट आएगा आईफोन में इस बार। कभी नहीं आ रही मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला लेके आने वाला है अपना फ़ोन जो होगा ऊपर से नोच डिज़ाइन में, मतलब बस मोटोरोला रह गया था वो भी लेके आएगा एक नोच डिज़ाइन में फ़ोन। पहला आईफोन एक्स, Samsung 6, Xiaomi 8, Mi 8 और अब मोटोरोला भी लेके आने वाला है। तो देखते कैसा रहता है ये, मेरे को जो बताया आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के, मतलब नोच आपको पसंद है या नहीं। कॉलिंग आ रही है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का जो 6 है उसका एक नया वर्जन आने वाला है 6 Silk, तो ये लॉन्च होगा 5 जून को। तो देखते कैसा रहता है, मतलब क्या आप इसका वेट कर रहे हैं। ये आएगा 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, प्राइसिंग इसकी होगी 39,999। तो देखते कैसा रहता है, मेरे जैसे बाकी सारे प्रोसेसर वगैरह तो सेम रहेगा। अगली आ रही है 5G की तरफ से, 5G आने वाला है बहुत जल्दी, मतलब अगले साल आपको दिख जाएगा 5G के फ़ोन। फिर देखते हैं नेटवर्क कब तक करता है पूरा स्टेब्लिश्ड, क्या वेट कर रहे हैं 5G का या नहीं, मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपके क्या ओपिनियंस इसके बारे में, मतलब
आपको लगता है 5G फ़ोन दोबारा चेंज करना पड़ेगा आप सभी को 5G के लिए? वैसे इंडिया के हिसाब से अगर पता चले तो शायद 2020 तक कुछ परसेंट फ़ोन आ जाए इंडिया में और 5G भी शायद शुरू हो जाए। प्रॉब्लम आ रही है गूगल पिक्सल 2 एक्सल के बाद जो आने वाला है पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल, मतलब ये आएगा नोच के साथ, पिक्सल 3 एक्सल नोच के साथ आएगा, मतलब ये भी अब नोच लेके आ रहा है। ओलेड डिस्प्ले होगी जो मेड बाय होगी LG, स्नैपड्रैगन का होगा इस बार 845 प्रोसेसर इसमें, और डुअल रियर कैमरा मिलेगा आपको इस बार इसमें, और 2 GB रैम में 6 GB और 8 GB, मतलब पहले 4 GB में कमाल कर दी, तब 6 GB और 8 GB, देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो बताए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। आज की लास्ट न्यूज़ है यहाँ पतंजलि की तरफ से, पतंजलि लेके आया अपनी खुद की एक ऐप KIMBHO, तो ये कह रहे हैं कि भाई काफ़ी बढ़िया ऐप होगी ये, शायद पीछे छोड़ दे मैसेजिंग ऐप होगी ये, ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप, तो देखते कैसे रहते हैं ऐप। कह रहे कि इंडिया में शायद ये व्हाट्सएप वगैरह को पीछे छोड़े, मैसेज लगता तो नहीं, फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा इसके बारे में सुन के, मतलब इंडियन ऐप खुद की। तो आज के लिए इतने, अगली बार मिलेगा और अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी कुछ करेंगे हम बातचीत। तो आज मैं कर दिया है रिवील, ट्विटर पे जाके चेक करिए कौन जीता है गिव अवे। तो मैंने पर्सनल मैसेज करूँगा, वैसे अनाउंस तो करूँगा नहीं, फिर भी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के, और फाट लेते रहिए। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं, बाय बाय।